हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू का अचार। देखिए, ये नींबू है, लगभग 15 पीस है, और इसको हम अच्छे से धो के और पोंछ दिए हैं इस, और थोड़ा धूप में सेक दिए थे ताकि पूरा पानी सोख ले। और इसको ऐसे कट कर लेते हैं, एक नींबू को 4 भाग किए हैं और सारा कट कर लिए। और जो बीजा है उसको हम चाकू से निकाल देंगे, हम भूल गए थे उस समय निकालने, इसलिए हम अभी निकाल रहे हैं। एक एक करके बीजा निकाल लेंगे, हम मसाला वाला बनाएंगे। और फिर हम चले मसाला का तैयारी करने। चलिए देखिए, सरसों लिए हैं थोड़ा, और धनिया है, एक दालचीनी है, जीरा है, और इसको मैं अच्छे से थोड़ा भून लेती हूँ, हल्का सा रोस्ट करना। और उसको मैं दरदरा पीसी। उसके बाद ये नींबू है तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ, और नमक डालना है, फिर हल्का मिर्च पाउडर। उसके बाद फिर उसको पूरा मिक्स करेंगे, हल्का काला नमक भी हम डाल लेते हैं, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाद में भी हरा मिर्ची नहीं था इसीलिए बाद में आएगा तो उसको फिर हरा मिर्ची काट काट के डाल देंगे बाद में। देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा नींबू में मिल जाए मसाला, और इसको धूप में 2-4 दिन लगा देंगे। देखिए, ये हम अभी धूप में डाल देते हैं। और प्लीज़ सब, मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और देखिए, ये हम डाल दिए डब्बा में। देखिए, इस तरह का मेरा नींबू का व्यू है। प्लीज़ धन्यवाद।